नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, यह है इंडक्शन का बोर्ड और ये बोर्ड अभी ख़राब कंडीशन में है। तो आज के इस वीडियो में हम इस ख़राब इंडक्शन के बोर्ड को हम बनाकर दिखाएंगे। दोस्तों, इस बोर्ड में एक प्रॉब्लम है, ये बोर्ड का फ्यूज बार बार उड़ जाता है। जब भी हम इस बोर्ड में 220 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो ये फ्यूज बार बार उड़ जाता है। तो ये बार बार फ्यूज उड़ने का कारण होता है कहीं ना कहीं बोर्ड में कोई पार्ट्स शॉर्ट है, तो इस कारण ये फ्यूज उड़ जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम फ्यूज के बार बार उड़ने के कारण को ढूंढेंगे और उसे बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक आवश्यक सूचना देना चाहता हूँ। अगर आपको बिजली के कामों की जानकारी है और बिजली के बारे में जानते हैं तभी इस काम को कीजिएगा, अन्यथा आपको बिजली का झटका लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं इस बोर्ड को हम। तो सबसे पहले दोस्तों, हम देखेंगे कि फ्यूज उड़ने का कारण क्या है। तो हम एक मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी मोड में सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों, हम मल्टीमीटर के दोनों प्रो को लेकर फ्यूज के आसपास के सभी कनेक्शन को चेक करेंगे, हम जहां से हम 220 वोल्ट का पावर सप्लाई देते हैं। तो चेक करने के बाद हमें ये पता चला कि फ्यूज के आसपास कोई भी कनेक्शन ख़राब नहीं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बोर्ड को हम पलटा लेते हैं और देखिए इस कनेक्शन द्वारा 220 वोल्ट पावर सप्लाई आता है। तो ये कनेक्शन सीधा जाता है ब्रिज रेक्टिफायर में और पास में IGBT में। इसके अंदर एक ब्रिज रेक्टिफायर है और IGBT, यही दो पार्ट्स जो पावर सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो चलिए दोस्तों, हम हीट सिंक को खोल लेते हैं। हीट सिंक खोलने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें दो पार्ट्स लगे हुए हैं, एक ब्रिज रेक्टिफायर और दूसरा IGBT। तो हम मीटर द्वारा इन दोनों पार्ट्स को कंटिन्यूटी मोड में रखकर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करेंगे। ब्रिज रेक्टिफायर के चार लेग होते हैं, तो हम मीटर द्वारा एक एक करके सभी लेग को हम चेक करेंगे। तो मीटर से चेक करने से हमें मीटर में अगर 00 शो किया तो समझ लीजिएगा ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब है, और यदि कोई नंबर शो नहीं करता तो समझ लीजिएगा कि ब्रिज रेक्टिफायर सही है। तो दोस्तों, सभी लेगों को चेक करने के बाद हमें ये पता चला कि ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब नहीं है। अब इसके बाद हम IGBT चेक करेंगे, और इसके तीन लेग होते हैं। मीटर के प्रो को हम एक एक करके तीनों में रखेंगे, अगर मीटर में 00 शो किया तो समझ लीजिएगा IGBT ख़राब है। तो देखिए दोस्तों, मीटर में 00 शो करने लगा। इसका मतलब IGBT खराब है। फिर से दिखा देता हूँ मैं, मीटर में ध्यान दीजिए दोस्तों, ये IGBT खराब हो चुकी है। तो दोस्तों, हमें ये पता चला ये IGBT खराब है, इस कारण से फ्यूज बार बार उड़ रहा है। तो चलिए अब हम इस IGBT को निकाल देते हैं, उसके बाद हम इसकी जगह में नई IGBT लगाते हैं। तो दोस्तों, ये रहा IGBT और इसका नंबर आप देख सकते हैं। तो अब हम इस IGBT को फिर से मीटर द्वारा चेक करेंगे और आपको बताएंगे ये IGBT ख़राब है या नहीं। तो मीटर में ध्यान दीजिए,
देखिए 0-0 शो करने लगा, तो ये आईजीबीटी का लेग एक दूसरे से शॉर्ट है इसलिए 0-0 शो कर रहा है। अब हम इस आईजीबीटी की जगह नई आईजीबीटी को लगाएंगे, तो चलिए हम लगा देते हैं। दोस्तों आईजीबीटी लगाने के बाद हम इसे अच्छी तरह से सोल्डर कर देंगे। दोस्तों आईजीबीटी सोल्डर करने के बाद हम आईजीबीटी के बाकी बचे टैग को हम कटर द्वारा काट देंगे। काटने के बाद दोस्तों हम लेंगे हीट सिंक पेस्ट। ये हीट सिंक पेस्ट हीट सिंक और आईजीबीटी के बीच में लगाने से आईजीबीटी और हीट सिंक अच्छी तरह से कनेक्ट होता है। जब आईजीबीटी गर्म होता है तो हीट सिंक को कनेक्ट करके इस उसके हीट को ये फैलाता है, तो इस पेस्ट को लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका आईजीबीटी दोबारा ना उड़े। उसके बाद हम आईजीबीटी को उसके सही जगह में अच्छी तरह से लगा देंगे। उसके बाद आप ध्यान रखेंगे कि ये होल और आईजीबीटी का होल एक दूसरे से मिलना चाहिए ताकि जब हम हीट सिंक लगाएं तो स्क्रू इस आईजीबीटी के बीच से जाकर हीट सिंक में कस जाए। तो चलिए अब हम आईजीबीटी और ब्रिज रेक्टिफायर में भी पेस्ट को लगा देते हैं। दोस्तों हीट सिंक पेस्ट को अच्छी तरह से लगाएं ताकि हीट सिंक और आईजीबीटी ब्रिज रेक्टिफायर में आपस में कनेक्ट कर ले और इन दोनों के हीट को रोक ले। अब हम हीट सिंक को लेंगे और जिस तरह पहले लगा था उस तरह से इसे लगाकर और इसमें स्क्रू लगाकर इसे कस देंगे। हीट सिंक के दोनों स्क्रू को कसने के बाद हम इस फ्यूज को बदलेंगे, और अभी मेरे पास ये फ्यूज नहीं है तो हम इस फ्यूज में एक वायर का टुकड़ा लेंगे और उस वायर को हम इस सिरे से उस सिरे में सोल्डर कर देंगे ताकि ये फ्यूज का काम करने लगे। तो चलिए वायर का टुकड़ा ले लिए और इसे सोल्डर कर देते हैं। दोस्तों सोल्डर करने के बाद बाकी बचे वायर को हम काट लेंगे। अब दोस्तों फ्यूज का काम कंप्लीट हुआ। मेरे पास फ्यूज नहीं था इसलिए मैंने इस तरह से फ्यूज को बनाया। आपके पास अगर फ्यूज हो तो नहीं लगा दीजिएगा। अब दोस्तों हमारे ये इंडक्शन का सर्किट बोर्ड पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम इस सर्किट बोर्ड को इंडक्शन के बाकी बचे भागों में लगाकर इसे चालू करके देखेंगे ये चालू होता है या नहीं। तो फिटिंग की शुरुआत हम सर्किट बोर्ड से करते हैं। हमने जिस तरह से इसे खोला था उसी तरह से हम इसे फिट कर देते हैं और उसके बाद हम आपको वीडियो में लाते हैं। दोस्तों इस जगह भी हीट सिंक पेस्ट को अच्छी तरह से लगा लीजिएगा। दोस्तों हमारा इंडक्शन का कवर बिल्कुल अच्छी तरह से हमने इसे फिट कर दिया है। अब इस इंडक्शन को हम चालू करके देखते हैं ये चालू होता है या नहीं। तो चलिए पावर लगाते हैं और इसे चालू करते हैं। तो देखिए पावर देने के बाद इसके स्क्रीन में नंबर आने लगा, इसका मतलब ये इंडक्शन चालू हो चुका है।
अब चलिए एक कटोरी को लेते हैं और इस कटोरी में पानी डालकर इस पानी को गर्म करते हैं और देखते हैं कि ये पानी गर्म होता है या नहीं। तो दोस्तों कुछ देर रखने के बाद हमने इसमें हल्का सा भाप उठते देखा, तो ये देखिए ये पानी गर्म हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।